जय हिंद मेरे प्यारे साथी और राजू पे पिजो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60244 पद री एग्जाम तय है। आप सभी लोग जान रहे हो 6 महीने के अंदर री एग्जाम है, तो अपनी तैयारी कर लो। मैंने जो महीना बताया आपके लिए जून बताया कि आपके मई तक चुनाव चलेंगे और मई के लास्ट में आपका रिजल्ट आ रहा है चुनाव का और जून में आपका एग्जाम लग सकता है क्योंकि मई तक तो व्यवस्था यहाँ पर थोड़ी सी बिजी रहने वाली है, ठीक है। तो जून में आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन वहीं पर अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ दरोगा की भी तैयारी कर रहे हो या दरोगा के कैंडिडेट जो अलग है वो सिर्फ दरोगा की ही तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अंडर एज रह गए थे पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको भर्तियां ये कैसे देखने को मिलेंगी। देखो भाई 12 मार्च से लग रही है आचार संहिता और 11 मार्च तक जितनी नई भर्तियां आ गई तो आ गई, वरना ये भर्तियां फिर आपको देखने को जल्दी नहीं मिलने वाली है क्योंकि 3 मंथ आचार संहिता के बाद आपकी कोई भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप अपनी मांग रखना चाहें तो भाई फिर वही चीज है ना, ट्विटर के माध्यम से अगर आप अपनी मांग रखना चाहते हैं तो बड़े बड़े टीचर से रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारी इसके लिए मांग उठाइए, क्योंकि भाई यूपीएसआई के लिए भी टेंडर निकला था आज से 4-5 महीने पहले, 4 महीने पहले तकरीबन, कि यूपीएसआई के लिए भी टेंडर निकाला था यूपीएसआई के एग्जाम्स के लिए कि कोई कंपनी हमें मिले क्योंकि आपके लिए यूपीएसआई भी नई वैकेंसी हम देंगे और ये चर्चा में रही, ठीक। पीएससी तो आपकी जनवरी में बोला गया था कि पीएससी की 10,000 भर्ती आपको जनवरी में देखने को मिलेगी, लेकिन जो मिली नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो 60244 पर इतनी बड़ी भर्ती आ गई कि जितने भी सवाल जवाब थे ना वो सब इसी में व्यस्त हो गए। इसके बाद किसी ने कुछ भर्तियों के बारे में ज्यादा कोई चर्चा चली नहीं रही है। अगर आप अपनी मांग रखना चाहते हैं तो जल्दी से रखिए जिससे कि आपकी ये भर्ती आपको जल्दी ही देखने मिल जाए, यानी 11 मार्च से पहले पहले भर्ती आ जाए। अगर भर्ती आ जाती है उसके बाद आपका प्रोसेस नहीं रुकने वाला, ठीक। अगर भर्ती नहीं आई तो आप सभी को पता चार सहिता बाद भर्ती नहीं आने वाली, फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अपनी आप मांग रखिए ट्विटर के जरिए #UPSINewVacancy2024, #PSCNewVacancy2024। बड़े बड़े टीचर से रिक्वेस्ट करिए, बड़े बड़े टीचर्स को बताइए, जैसे कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आप लोग पढ़ते हो तो सबसे अपनी रखिए अपनी आवाज कि सर हमारे लिए आवाज उठाइए कि हमारे लिए भर्ती लेके आइए, है ना। नई भर्ती के लिए हमारी एक जो गुहार है वो लगवा दीजिए, अगर हमारी सुन लेगी तो ठीक है। और ऐसा भाई साहब अभी बता दूं ना, जो चीज आप मांगोगे ना अभी मिल जाएगी, सीधी सी बात है, उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है, लेकिन उनसे कोई चीज कहो तो भाई बात तो आगे आपको कहनी पड़ेगी, अपनी मांग तो रखनी पड़ेगी ना। तो आप मांग रखिए, मेरे नजरों में आपके आपको जो आप कमेंट्स जिस हिसाब से करते हो कि सर नई भर्ती नहीं आ रही क्या करें, तो मैं आपके लिए एक सोल्यूशन बता रहा, अगर आप अपनी मांग रखेंगे तो हो सकता है आपके लिए निराश ना किया जाए। अगर आप मांग ही नहीं रखोगे तो क्यों कौन ही आपके बारे में सोचे जाते हैं ना, तो आप मांग तो रखिए, फिर भर्ती नहीं आती है या आती है वो तो बात की बात है, आप एक बार मांग रखिए और मुझे लग रहा है 99% आपके लिए निराश नहीं किया जाएगा, आपके लिए अच्छी ही खुशखबरी मिलेगी अगर आप अच्छी मात्रा में यानी अच्छी जनसंख्या में एक मांग रखते हो। जब जैसा कि अभी आपने री एग्जाम देखा, आपका री एग्जाम भी हुआ, अगर भारी जनसंख्या में जब आप जहाँ कहीं जाते हो बात अपनी रखते हो तो वो चीज सुनी जाती है और इतनी जल्द सुनी गई कि 5 दिन भी नहीं लगा और आपका री एग्जाम की डेट आपके अनाउंस कर दी कि भैया आपका री एग्जाम होगा, सभी का कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और आप सभी को पता है सीएम साहब ने तो इतना हड़का के बोला है कि जितना भी जो ये पेपर लीक करवाते हैं ना इनको तो जी छोड़ने वाले नहीं हम लोग, ठीक है, और आपका री एग्जाम 6 महीने के अंदर हम फिर से कंडक्ट कराएंगे, किसी को निराश नहीं किया। तो यूपीएसआई और पीएससी में भी किसी को निराश नहीं किया जाएगा, बस आप अपनी लोग मांग तो रखिए, है ना। मांग रखोगे ना आप लोग, सभी लोग बताना कमेंट्स में कि हाँ सर हम मांग रखने वाले हैं, बड़े बड़े टीचर से हम लोग कहने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू, जय हिंद।